मई का महीना साल 2018, पंजाब के मोगा जिले के खोसा पंडो गांव का एक नौजवान एशियन गेम्स की तैयारी में लगा हुआ था। प्रैक्टिस शुरू किए भी कुछ ही वक्त हुआ था कि घर से एक फ़ोन आया। पता चला कि उसके पिताजी की जो कैंसर की तकलीफ है वो बढ़ गई है। नौजवान प्रैक्टिस छोड़कर अपने पिताजी को लेकर दिल्ली आ गया। आदमी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। डॉक्टर्स ने बताया कि कैंसर उसके पिता के दिमाग तक पहुँच गया है, उन्हें कम से कम 15 दिन तक अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। नौजवान ने ये बात जब सुनी तो वो सारा शिफ्ट करके सामान यहाँ आ गया और अपने कोच को बताई उसने ये बात। तो कोच ने भी दिल्ली आने का फैसला कर लिया ताकि प्रैक्टिस उस नौजवान की चलती रहे, लेकिन पिता के बीमार होने के कारण नौजवान प्रैक्टिस नहीं कर सका। खैर, किस्मत को कुछ और मंजूर था। पिताजी की हालत सुधरी, नौजवान ने प्रैक्टिस फिर से शुरू की और हिमाचल की धर्मशाला में कैंप लगाया। प्रैक्टिस दोबारा शुरू हुई, तमाम परेशानियां आईं, चोटें लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता के पास अब ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए वो जितना हो सके उनको मेडल उनकी झोली में डालना चाहता था। और ऐसा ही हुआ 25 अगस्त को। हम बात कर रहे हैं तेजेंद्र पाल सिंह टूर की, जिन्होंने एशियन गेम्स में शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 18वें एशियन गेम्स चल रहे हैं। इंडिया ने शॉट पुट में भी कम्पीट किया, जिसका जिम्मा 23 साल के तेजेंद्र के कंधों पर था। बंदे ने पहली बार में ऐसा गोला फेंका कि कोई उसके आसपास नहीं पहुंच सका। ये दूरी थी 19.96 मीटर की। चुनौती देने चीन और कजाकिस्तान के प्लेयर ज़रूर आए, मगर बाहर नहीं कर पाए। चीन के लियू योंग ने 19.52 मीटर और कजाकिस्तान के इवान ने 19.40 मीटर तक ही गोला फेंका, उसके आगे नहीं जा सका। मगर अभी तेजिंदर को जीत नहीं मिली थी, असली जीत तो अभी बाकी थी। तेजिंदर ने फाइनल राउंड में अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार 20.75 मीटर की दूरी पर गोला फेंका और गोल्ड जीत लिया। अपने बीमार पापा को ऐसा तोहफा दिया जिसे वो कभी भी भुला नहीं पाएंगे, वो भी एशियन गेम्स में शॉट पुट का नया रिकॉर्ड बनाकर, देश दुनिया में छा कर। अब बताते हैं आपको इस प्लेयर की लाइफ स्टोरी। तेजिंदर का जन्म हुआ पंजाब के एक किसान परिवार में। उनके पिता करुण सिंह और माँ प्रीत कौर दोनों ही किसान हैं। उनकी माँ याद करते हुए बताती हैं कि खेती किसानी से ज़्यादा बचता नहीं है। जब हमारे बेटा बेटी बड़े हो रहे थे तो उन्हें कामयाब बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी। जैसे तैसे करके हम पैसे का जुगाड़ कर पा रहे थे। थोड़ी तंगी आई तो हमने अपनी भैंसें बेच दी और पैसे अपने बच्चों पर लगा दिए। मेडल जीत कर तेजिंदर ने हमारी उम्र बढ़ा दी है। उनकी माँ ने हमें ये भी बताया कि तेजिंदर बचपन में क्रिकेटर बनना चाहते थे। लंबा चौड़ा और तगड़ा शरीर देखकर उनके पिताजी ने शॉर्ट पुट में हाथ आजमाने को कहा। उन्हें तेजिंदर ने उनकी बात मानी और जुट गए प्रैक्टिस में, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। 2015 में उनके पापा को स्किन कैंसर हो गया। कैंसर की शुरुआती स्टेज में होने के कारण वो जल्दी ठीक भी हो गया उस वक्त, लेकिन थोड़े समय बाद फिर से उनकी तबीयत बिगड़ गई। इस बार फिर से कैंसर ही निकला, लेकिन इस बार उन्हें बोन कैंसर था। इलाज में खूब पैसे खर्च हो रहे थे। पैसे के लिए कोच के कहने पर नेवी ज्वाइन कर ली तेजिंदर ने, और तेजिंदर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इंडियन नेवी ने उनके पापा के इलाज में मदद के साथ साथ उनकी खुराक का भी बहुत ध्यान रखा। उनका कहना था कि इंडियन नेवी की मदद की वजह से ही वो अपनी गेम पर फोकस कर पाए हैं। शॉर्ट पुट कोई सस्ता गेम नहीं है। एक किसान के लिए अपने बेटे को शॉर्ट पुट जैसे खेल में डालना कोई आसान बात नहीं होती। एक इंटरव्यू में तेजिंदर ने कहा था कि शॉर्ट पुट में जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है उसके साथ साथ आपका खर्चा भी धीरे धीरे बढ़ता है। बेहतर खाना खाना पड़ता है, बेहतर जिम जाना पड़ता है, अच्छी क्वालिटी के जूते की भी ज़रूरत होती है, और एक एथलीट के ज़्यादातर पैसे उसके खाने पीने और जूतों पर ही खर्च हो जाते हैं। भारत में मिलने वाले फूड सप्लीमेंट इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, इसलिए एथलीट्स को बाहर से फूड सप्लीमेंट्स मंगवाने पड़ते हैं जो कि बहुत महंगे पड़ते हैं। शॉर्ट पुट जैसी गेम में जूते ज़्यादा टाइम तक साथ नहीं देते। जिस जूते को हम यूज़ करना चाहते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। मैं 6-7 हज़ार के जूते ख़रीदता, लेकिन वो 2 महीने से ज़्यादा चलते ही नहीं थे। मुझे 2006 से 2010 तक खुराक और जूतों के पैसों के कारण कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। जब से खेल का लेवल बढ़ा है तब से मेरा महीने का खर्चा भी बढ़ा है और 40 से 50 हज़ार तक हो गया है खर्चा। पर अब ये सारी मेहनत और त्याग रंग लाया है गोल्ड मेडल के रूप में।
तेजिंदर ने पिछले साल 2017 में भुवनेश्वर में हुई एशियाई चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल जीता। हालांकि इस साल 2018 में हुई कॉमनवेल्थ गेम्स में उनको निराशा हुई और कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन एशियन गेम्स में तेजिंदर ने रिकॉर्ड तोड़ कर इतिहास रच दिया है। तेजिंदर ने ये मेडल अपने पिताजी को समर्पित किया है और एशिया के इस नए चैंपियन को हमारी ओर से झोलावर बधाई। बाकी अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको हमारी ये स्पेशल सीरीज़ एशिया के नंबर वन देखते रहना होगा। और कैसे देखेंगे? फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और स्मार्टफोन यूज़र हैं तो हमारी ऐप लालन टॉप की उसको डाउनलोड करेंगे। थैंक यू।